today's exercise is second part. Second part means second question. Show that each of following represents any following equation. Each of following equation represents a pair of lines. Question number two. Show that each of the following equation, यानी ये जो equation है, x square x y y square, है ना? एक equation में x square y square. Each and every equation is homogeneous equation of second degree in x and y. याद रखो, ये question number four or five will be homework for you. अब ये देखो, हाँ, pair of line condition वाला, ये homogeneous equation of second, you should know. Each and every homogeneous equation of second degree in x and y. क्या ये? You should know each and every homogeneous equation of second degree in x and y represents a pair of lines. ये compulsory all of the equation represents pair of lines. देख लो क्या है यार? We have condition 2xy minus y square equal to 0. ये first है. अब ये है ना, ये कंपेयरिंग विथ क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले सकते हैं, टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू वन, टू एच इक्वल टू टू, बी इक्वल टू माइनस वन, यानी एच इक्वल टू वन. कंडीशन नॉर्मल कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी डेल्टा डेल्टा यानी वॉट एच स्क्वायर माइनस ए बी. यू शुड नो ये कंडीशन है थ्योरम नंबर थ्री में है, एच स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस वन और ये माइनस वन, वन माइनस माइनस प्लस वन टू. डेल्टा एक ऐसा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी व्हाट, पॉजिटिव के लिए क्या है कंडीशन, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, है ना, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ, पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन्स, याद रखो डिस्टिंक्ट लाइन्स. ये ना पॉजिटिव, ये डेल्टा डेल्टा यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, यानी लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डेल्टा यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, रियल एंड टू इक्वल लाइन्स, ये क्या है, और एक ये यहां पर चलेगा, यू कैन टेक लाइक दिस ऐसा इक्वल टू जीरो. ये है रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन्स इक्वल टू जीरो, यानी व्हाट, रियल एंड कोइंसिडेंट लाइन्स, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन्स और लेस देन जीरो, ये जो है ना लेस देन जीरो, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, यानी दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स. यस, और सेकंड के लिए देखो, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये फॉर सेकंड वन 4x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, सेम वन a के लिए 4 है, 2h के लिए 4 है, b के लिए माइनस 1 है, यानी h इक्वल टू क्या है 2 है, क्या है डेल्टा इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी एच, यानी व्हाट, टू का स्क्वायर ए एन फोर और ये माइनस चार माइनस माइनस प्लस चार यानी आठ है. एक ये पॉजिटिव है, कंपलसरी गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन्स, नो वेरी वेल. हां, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन थर्ड वन, इसमें थर्ड सब क्वेश्चन देख लो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, क्या ये नंबर थ्री, ये सेकंड सब क्वेश्चन में थर्ड सब क्वेश्चन क्या है, ये ए इक्वल टू वन, टू एच, एच नहीं यहां पर जीरो, एक्स वाई नहीं है, वाई स्क्वेयर यानी माइनस वन है, देन अगेन देख लो क्या आया, एच स्क्वेयर एच यानी वॉट जीरो माइनस वन, ये माइनस वन, जीरो माइनस माइनस प्लस वन है, डेल्टा ये ग्रेटर देन जीरो, ये आल्सो
given equation 1 represents a pair of real and discrete lines. ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 and 5 will be same for you as a formula. ये एक मेथड है, you can do in another method को हम ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3rd में देखो आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड सेपरेट लाइंस. थर्ड, फाइंड सेपरेट लाइंस बाय एक नंबर 6x² - 5xy - 6y² देन सेकंड वन x² - 4y² देन 3x² - y² equal to 0 एंड फोर्थ वन 2x² + 2xy - y² equal to 0. ये सेकंड वन बहुत इजी है तुम्हारे लिए, होमवर्क का. देखो क्या है, फाइंड द सेपरेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये पहला क्वेश्चन 6x² - 5xy - 6y² x² y² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते ना हम. 6 × 6 क्या है ये, 6 × 6 यानी 36. इसके फैक्टर्स जिनका माइनस यानी सब्ट्रैक्शन कितना होना, 5 है ना. 6 × 6 = 36 जिनका सब्ट्रैक्शन क्या होना, 5 होना, यानी 36 के फैक्टर्स नो वेरी वेल. 9 × 4 = 36 और 9 − 4 = 5 क्या ये, देखो 6x² - 9xy ये +5xy ये होना -9 + 4 यानी -5 ये -6y² फिर क्या इसमें से कॉमन 6 और 9 यानी 3 कॉमन x² x यानी x कॉमन ये कॉमन लेने का है डिवाइड करो 3 × 2 = 10 है यस विल गेट कैंसिल एट एक्स बचता ना माइनस 3 × 3 = 10 है एक्स बाहर है यानी ओनली वाई देन यहां पर ये सेम होना यहां पर हाँ इतना ये 4 है ना 4 और 6 में 2 आता कॉमन 2 और ये वाई क्या आता फिर ये 2 × 2 = 10 वाई ऑलरेडी कॉमन क्या बचा है यहां पर ओनली एक्स माइनस 2 × 3 = 10 यानी 3y² था 8y कॉमन है ये दो कॉमन 2x - 3y है ये और ये 3x + 2y इक्वल टू 0 फिर क्या है ये 2x - 3y इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y these are two separate lines by equation 1 ये दोनों सेम है वन फॉर यू एंड दिस वन फॉर मी देखो हां सेकंड क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी है ये थर्ड इसमें क्या ये 3x² - y² हां ये 3x² - y² है ना ये दो स्क्वेयर का माइनस a² - b² अब और हम लोग a² - b² यानी व्हाट a - b एंड a + c हां ये 3 यानी व्हाट √3x² y का स्क्वायर है ये है ना a² - b² यानी व्हाट a - b एंड a + b इक्वल टू 0 √3x - y इक्वल टू 0 एंड √3x + y इक्वल टू 0 देयरफॉर सेपरेट लाइंस √3x - y इक्वल टू 0 एंड √3x + y इक्वल टू 0 ये है सेपरेट लाइंस बाय इक्वेशन दिस वन देयर ये फोर्थ होगा क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन है थर्ड में सब क्वेश्चन
नंबर फोर, यानी ये 2x² + 2xy - y² ये फोर्थ वन, सुनो वेरी वेल। अब ये 2 × -1 यानी -2, उसके फैक्टर जिनका माइनस कितना होना तो पॉसिबल नहीं, a² b² पॉसिबल नहीं, है ना। ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 4.1, सुनो वेरी वेल। अच्छा कुछ भी नहीं होता, फैक्टर्स नहीं होता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल, उसके लिए कंपल्सरी मालूम नहीं है डिवाइडिंग बाय x². ये मेथड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स के लिए ये मेथड यूजफुल है। फैक्टर्स पॉसिबल और फैक्टर्स मे नॉट बी पॉसिबल, यू कैन यूज दिस मेथड, ये सबके लिए मेथड है। x² से डिवाइड करो 2x² 2xy y² x² से डिवाइड करो, क्या ये कैंसल, ये कैंसल, माइनस y/x² प्लस क्या है 2 × y/x बचता ना, ये यहां पर ले लो, ये बीच वाला एज इट इज, प्लस 2 यानी इधर एज इट इज, राइट। देख लो माइनस है ना, कि माइनस पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, y/x नहीं करे तो भी चलेगा। हियर याद है कुछ इक्वेशन, ax² + bx + c = 0, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x = -b + √b² - 4ac/2a। हाँ y/x है, ये y/x हियर क्या, ये a = -1 b है ना -1, ये 2 b = 2 और c = 2 क्या ये, therefore using formula method y/x = -b you can take formula, नहीं तो फिर यहाँ पर है formula माइनस बी यानी what 2 + -b² यानी 4 a यानी -1 b यानी 2 बार 2 × a यानी -1 y/x = 2 क्या ये -2 + −√4 −+ लाया 4 × 2 यानी 8/-2 हाँ फिर क्या आता है −2 + −12 है 12 यानी व्हाट 2√3 आता ना 12 यानी व्हाट 4 × 3 4 का स्क्वायर रूट निकलता 2 और ये 3 यानी एज सुन याद हाँ देन क्या ये y है ये x y के क्या ये -2 क्या होता है ये y = −2/-2 + √3/-2 into what x ये क्या था y = −−+ और ये +± ±± ±+ ये प्लस माइनस का क्या होता है ये −+ टू कैंसिल √3 × x ये −± + अब बाद में क्या ये +± −± −+ यानी y = 1 − √3 × x एंड y = 1 + √3 × x दीज आर टू सेपरेट लाइंस। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन बाय दीज इक्वेशंस। वी हैव डन ऑलरेडी दीज क्वेश्चंस इन आई थिंक 4.1 या 4.2, ये क्वेश्चन 4.1 या 4.2 में ऑलरेडी हुए वाले हैं। देख लो क्या है, सपोज ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, पहला सब क्वेश्चन 4xy − 5y² परपेंडिकुलर लाइंस है ना, यू हैव टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर और पैरेलल वी वांट स्लोप, देयरफॉर इसको करो कंपेयरिंग विथ क्या है ax² + 2hxy + by² = 0
एटा वैल्यू 1 टू एक्स्ट्रा 4 बीटा माइनस 5 है। ए एच बी है ना, परपेंडिकुलर और पैरेलल होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो स्लोप्स, लेट एम वन एंड एम टू बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस बाय इक्वेशन 1 है। मालूम है तुम्हें, इफ दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एक्स एंड वाई, सपोज इट हैड स्लोप्स एम वन एम टू, देन सम ऑफ स्लोप्स मालूम है कंडीशन, माइनस टू एच बाय बी, माइनस टू एच यानी माइनस फोर बाय माइनस फाइव यानी प्लस फोर बाय फाइव, और एम वन इंटू एम टू यानी ए बाय बी, ए यानी वन बाय माइनस फाइव है ना। मेरे पास एम वन प्लस एम टू है, एम वन इंटू एम टू है, लाइन पासिंग थ्रू पूरी जी और इनको है परपेंडिकुलर, क्या है फिर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस थ्रू ओरिजिन है, थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आर टू परपेंडिकुलर लाइंस यानी एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस 1, देन एम वन इक्वल टू माइनस 1 बाय एम। स्लोप कैसा होता है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप माइनस 1 बाय एम टू, देख लो हाँ हमारे पास लाइन का स्लोप क्या है एम वन एम टू, अब लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर क्या होना ये वाई इक्वल टू माइनस 1 बाय एम वन, ये लाइन का स्लोप एम वन, इसमें से एक लाइन का स्लोप एम वन है, यानी इसको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसा होना माइनस 1 बाय एम वन उल्टा और माइनस, और सेकंड के लिए माइनस वाई इक्वल माइनस 1 बाय एम टू इंटू एक्स, क्या ये एम वन वाई इक्वल टू माइनस एक्स एंड एम टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स प्लस एम वन वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस एम टू वाई इक्वल टू जीरो, यह है सेपरेट लाइन्स, मुझे होना ज्वाइंट इक्वेशन, यानी व्हाट एक्स प्लस एम वन वाई और एक्स प्लस एम टू वाई इक्वल टू जीरो, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस एम टू एक्स वाई है प्लस एम वन एक्स वाई प्लस एम वन एम टू वाई स्क्वायर है, क्या आता फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स वाई प्लस एम वन एम टू वाई स्क्वायर, ये है इक्वेशन है ना, ये है हमारा इक्वेशन, लेकिन एम वन प्लस एम टू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एम वन प्लस एम टू का वैल्यू है ना 4 बाय 5 है, 4 बाय 5 एक्स, एम वन इंटू एम टू का वैल्यू है माइनस ये माइनस 1 बाय 5 वाई स्क्वायर है, ये 5 है ना, 5 एलसीएम ले लो यानी 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ ये क्या है वो इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो यानी 5 एक्स स्क्वायर बाद में 5 5 कैंसिल यानी 4 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर कुछ, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, देखो फर्स्ट वन, अब सेकंड वन देखो सेम सिमिलरली फॉर सेकंड वन, क्या है ये सेकंड के लिए देख लो हाँ क्या है मेरे पास इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर, अगेन दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री x एंड y, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस यानी दो लाइन, हमें होना इनको परपेंडिकुलर लाइन का जॉइंट इक्वेशन, परपेंडिकुलर पैरेलल व्हाटएवर मे बी, a इक्वल टू क्या है ये 2 2x इक्वल टू 3 b इक्वल टू माइनस 9, हां यू नो वेरी वेल सम ऑफ स्लोप्स माइनस 2x यानी माइनस 3 बाय माइनस 9 यानी 3 बाय 9, ये है सेकंड वन सबका a बाय b यानी व्हाट 2 बाय माइनस 9 माइनस 2 बाय 9, ये है थर्ड इक्वेशन,
सम ऑफ स्लोप्स है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है, फिर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस हमें होना है, इनको परपेंडिकुलर लाइन का जॉइंट इक्वेशन। मेरे पास सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड सेपरेट लाइन, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस इक्वेशन वन। इनको परपेंडिकुलर लाइन इनके स्लोप क्या है m1 m2, फिर इनके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होना है -1/m1 और -1/m2। ये सेम है, m1 को इधर ले लो, m2 को इधर लो, ये -x = m1 है, -x = m2 है, यानी सेम होने से इधर लो x + m1 y x + m2 y। अब ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन, ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन समझ में आता है, ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन है, ये है सेपरेट लाइन। अब इनको जॉइंट इक्वेशन x + m1 y * x + m2 y = 0, x into x, x² then x into m2 xy plus m1 xy plus m1 m2 y² है, x² plus m1 plus m2 xy plus m1 m2 y² है। क्या आता है ये x² m1 plus m2 यानी व्हाट 3/9 xy, m1 m2 क्या है ये -2/9 y² है ना, 9 9, ये 9 को ऊपर लो, ये 9 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन ये नीचे 9 है ना, यहाँ पर 9 यूज करो, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 कैंसल, 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 कैंसल, क्या रखा 9x² प्लस 3xy -2y² ये है, ये 9 को ऊपर हुआ 9, ये 9 ये कैंसल होता है, LCM उसको ऐसा मिल सकते हैं, ये क्या है ये 9LCM, 9 से मल्टीप्लाई 9x², 9 9 कैंसल प्लस 3xy 9 9 कैंसल -2y², ये तो 9 है ना, इधर जाता है यानी इट विल बिकम्स 0, ये है 9x² प्लस 3xy -2y² = 0, दिस इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मेंशन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, देन थर्ड विल फॉर क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड के, हाँ फाइंड के इफ सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस वाई 3x² plus 8xy minus y² equal to 0 is 0, then second one देखो हाँ क्या है, sum of slopes by x² plus 8xy minus 3y² equal to 0 is equal to product. उसमें एक एक मार्क्स के लिए, दो मार्क्स के लिए एमसीक्यू में मे बी पॉसिबल है, इसमें क्वेश्चंस सब क्वेश्चंस आर 7 और एक एक बहुत इजी है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में u1 3x² + 8xy - y², हाँ क्या ये स्लोप्स, दो स्लोप है ना, स्लोप्स यानी दो स्लोप, कंपल्सरी यू हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax² + 2hxy + by² = 0, a का वैल्यू कितना है 3, 2h का k और b का कितना है -1 है, a h और b क्या है कंडीशन इज गिवन, यू नो वेरी वेल सपोज m1 m2 स्लोप आर लेट m1 एंड m2
be the slopes of the lines by equation 1. ये स्लोप्स देख लो, m1 प्लस m2 के लिए क्या है माइनस टू एच बाई बी, और m1 इंटू m2 के लिए a बाई बी, स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस टू एच यानी माइनस के बाई बी यानी माइनस वन, और a बाई बी यानी a बाई बी यानी थ्री बाय माइनस वन। क्या है कंडीशन हमारे पास, कंडीशन क्या है, सम ऑफ स्लोप्स इक्वल है ना, सम ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू जीरो, क्या है सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन्स इज जीरो। याद रखो ये पहले सब क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ स्लोप्स इज जीरो यानी व्हाट, m1 प्लस m2 इक्वल टू जीरो, क्या ये k इक्वल टू जीरो कंपलसरी, थीटा वैल्यू ये जीरो। सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो क्या है, सेम वन सेम टाइप में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ये सेकंड में सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइंस बाय दिस इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट यानी एम वन प्लस एम टू, सम यानी एम वन प्लस एम टू इक्वल टू प्रोडक्ट यानी एम वन इंटू एम टू, यानी कंपल्सरी इसको दोनों कंपेयरिंग है, ये है कंपेयरिंग विद, देखना कंपेयरिंग विद क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू वन, टू एच इक्वल टू के, और बी इक्वल टू माइनस, या लेट एम वन एंड एम टू बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस बाय इक्वेशन वन, एम वन प्लस एम टू यानी माइनस टू एच यानी माइनस के बाय बी यानी माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस एम वन इंटू एम टू ए बाई बी यानी वन बाय माइनस थ्री, ये है सेकंड नंबर कंडीशन। क्या है हमारे पास, सम ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट यानी व्हाट, जी वन यानी व्हाट, क्या है ये एम वन प्लस एम टू इक्वल टू एम वन इंटू एम टू, क्या है ये के बाय थ्री इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री यानी के इक्वल टू माइनस वन, दिस इज सेकंड सब क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव।